किडनी की बीमारी से ग्रस्त मरीजों के लिए अच्छी खबर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में किडनी प्रत्यारोपण की अनुमति मिल चुकी है और आने वाले महीना भर में यहां किडनी प्रत्यारोपण यूनिट शुरू किया जाने वाला है। किडनी प्रत्यारोपण केंद्र की शुरुआत करने से पहले अनेक विभागों की मंजूरी लेनी पड़ती है। इसमें महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल, स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य विभागों की मंजूरी लेनी पड़ती है और एम्स को इन सभी विभागों की मंजूरी मिल गई है। गौरतलब है कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल यानी कि मेडिकल से संलग्न सुपर स्पेशलिटी में किडनी प्रत्यारोपण केंद्र की शुरुआत के दिनों में डॉक्टर मनीष श्रीगिरिवार विशेष कार्य अधिकारी पद पर थे। अब वे एम्स में चिकित्सा अधीक्षक के पद पर सेवारत हैं। सुपर स्पेशलिटी में किडनी प्रत्यारोपण केंद्र शुरू करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का संयुक्त प्रयास था। यहां 3 साल में 66 लोगों को किडनी प्रत्यारोपण से नया जीवन मिला है। बाद में यहां के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने नौकरी छोड़ दी, तब से सुपर में किडनी प्रत्यारोपण थम गया है। इन हालातों में गरीबों के लिए किडनी प्रत्यारोपण मुश्किल हो चुका है। एम्स में प्रत्यारोपण की मंजूरी मिलने से इसका लाभ गरीब व मध्यम वर्गीय लोगों को मिलेगा, साथ ही किडनी प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा करने वालों को एम्स में नया जीवन मिलेगा।